हाई फ्रेंड्स वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फॉरम सस्पेंस थ्रिलर्स ऑलमोस्ट हर मूवी लवर का फेवरेट जॉनर है सो आज हम लेके आए हैं द बेस्ट बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर्स ऑफ ऑल टाइम इन अ रैंडम सीक्वेंस एंड यस वी वुड अप्रिशिएट दैट इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो लेट्स बिगिन फर्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज अगली रिलीज इन टू अगली एक न्यू नायर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है revolving around the kidnapping किडनेपिंग ऑफ अड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप फिल्म के cast में included है रोनित रॉय तेजस्विनी कोलापुरी और राहुल भट्ट in lead roles. रोनित रॉय एक पुलिस ऑफिसर के रोल में है इज द स्टेप फादर ऑफ द किडनेप्ड गर्ल चाइल्ड जबकि तेजस्विनी उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, हु इज अ ड्रग एडिक्ट राहुल भट्ट उनके एक्स husband के रोल में हैं. किडनेपिंग के बाद इन तीनों characters की लाइफ कैसे इंटरट्वाइन होती है और वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं दैट इज द स्टोरी ऑफ अगली जब तक ये मूवी खत्म होगी एज अ व्यूअर यू विल फील शिवर्स डाउन द स्पाइन मुझे याद है जब मैंने ये मूवी देखी थी तो आई कुड नॉट डाइजेस्ट द द्लाइमैक्स ऑफ द मूवी कारण ये है कि मूवी बहुत ही डार्क है सेकेंड मूवी ऑन द लेस्ट इज तीसरी मंजिल रिलीज इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स ये वी नो दैट दिस इज एन ओल्ड मूवी बट इस मूवी को हर लिहाज से बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर्स की लिस्ट में रखा जा सकता है इस मूवी क्लासिक, डायरेक्टेड बाय नन विजय आनंद। फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख जी लीड रोल में हैं। द फिल्म इज अबाउट अ मर्डर जम्पिंग फ्रॉम थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल बिल्डिंग फिल्म में आगे हमें ऐसे कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं जो अलग अलग सस्पेक्ट्स की तरफ इशारा करते हैं हु इज द रियल कल्परेट ये देखने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए थर्ड मूवी हमारे काफी सब्सक्राइबर्स ने ज़रूर देखी होगी एंड मूवी इन दिस लिस्ट अ वेंसडे को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है और इसमें खेर नजरुद्दीन शाह और जिम्मी शेरगिल ने इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाई हैं। इस मूवी में दो दिग्गजों ने जम के अभिनय किया है And it becomes very difficult to say that Nasir Sahab has better Anupam The best part of this film is that the story is revealed through a conversation between two men of different ideologies. Those conversations have a viewers. This is the mark of a great simplistic film, and I believe every cinephile should watch this. fourth movie on the list is *Woh Thi*, released in 1964. वो कौन थी एक ब्लैक एंड व्हाइट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है स्टारिंग मनोज कुमार एंड साधना इन द लीड रोल्स डायरेक्टेड बाय राज खोसला द फिल्म फिल्मोज द लाइफ ऑफ डॉक्टर आनंद प्लेड बाय मनोज कुमार जो बहुत ही मिस्टीरियस वेज में एक लड़की से मिलते हैं एंड गोज अप टू द एक्सटेंट ऑफ बिलीविंग दैट शी इज अ दैटो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी माँ उनका रिश्ता तय कर देती है एंड गेस हु इज द ब्राइट टू बी वही सेम लड़की करेंगे. इस लिस्ट में पे है, मजबूर, in 1974। मजबूर उन फिल्मों में से थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अपने एंग्री यंग मैन के रोल से हटकर एक कॉमन मैन का रोल प्ले किया था मजबूर को रवि टंडन जी ने डायरेक्ट किया था दिल्मो स्टार्स परवीन बाबी प्राण मदनपुरी रहमान एंड फरीदा जलाल ये फिल्म एक कॉमन मैन के बारे में है हु इज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ विद द विदिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ हिज फैमिली अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की लाइफ में तब ट्रबल शुरू होती है जब उन्हें पता चलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर और उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ छह महीने बचे हैं अपने बाद अपने घर वालों की लाइफ सिक्योर करने के लिए वो एक कदम उठाते हैं जो बैकफायर कर जाता है और फिर आगे उनकी लाइफ में क्या होता है मजबूर की यही कहानी है अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें जरूर बताएं कि आपको मजबूर कैसी लगी नेक्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज सस्पेंस थ्रिलर को राज नवाते ने डायरेक्ट किया था एंड इट स्टार्ड मनोज कुमार नंदा प्राण, हेलन एंड महमूद इन इंटरेस्टिंग रोल्स ये सात लोगों की कहानी है जो कि एक आइलैंड पे फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्लाइट मैल फंक्शन उस आइलैंड पे इन लोगों को महसूस होता है कि वन गर्ल इज सीन रोमिंग अराउंड सिंगिंग द टाइटल सॉन्ग ऑफ द गुम नाम है कोई और होता यह है कि उस आइलैंड पे एक एक करके लोगों का मर्डर होने लगता है आगे की कहानी बताना बी राइट आई फील हम ये चाहेंगे कि आप ये मूवी देखें एंड वी बिलीव दैट यू आर गोइंग टू सिंपली लव दिस वन नेक्स्ट इज गुप्त रिलीज इन नाइनटीन मिलेनियल्स में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गुप्त नहीं देखी होगी गुप्त एक मूवी है विच विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट गुप्त को डायरेक्ट किया था राजीव राय ने बॉबी देओल काजोल और मनीषा कोयराला ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी बट इस मूवी का रियल हीरो था इसका स्क्रिप्ट एट दैट टाइम द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी वॉज अ रियल सरप्राइज फॉर द ऑडियंस गुप्त के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मनीषा कोयराला का रोल पहले रवीना टंडन को ऑफर हुआ था एंड शी वॉज इवन अ पार्ट ऑफ द इनिशियल फोटोग्राफी फॉर द फिल्म अगर आपने गुप्त देखी है तो प्लीज हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी नेक्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज टेबल नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है डायरेक्टेड बाय आदित्य दत्त दिस फिल्म इज बेसिकली अबाउट अ गेम शो कॉल्ड टेबल नंबर ट्वेंटी वन बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ऑडियंस को पता चलता है कि देर इज मोर टू इट देन जस्ट अ गेम फिल्म में परेश रावल राजीव खंडेलवाल और टीना देसाई लीड रोल्स में हैं। राजीव और टीना एक कपल का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि इस गेम शो में पार्ट लेते हैं जिसके ऑर्गेनाइजर परेश रावल हैं बट एज द गेम शो गेट्स अगली ऑडियंस इज रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड एज द क्लाइमैक्स अराइव एट नंबर नाइन वी है स्टोन मैन मर्डर एक सस्पेंस थ्रिलर है जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है

मनीष गुप्ता ऑल्सो गॉट होल्ड ऑफ जेनविन न्यूज पेपर क्लिपिंग ऑफ नाइनटीन एटी थ्री जिसे फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट्स में दिखाया गया डे फ्रेंड्स लास्ट मूवी ऑन द लेस्टेट रहस्य रिलीज इन टू थाउजेंड फिफ्टीन रहस्य की कहानी बेस्ड है ऑन द फेमस आरुषि मर्डर केस वैसे तो आरुषि मर्डर केस पे और भी मूवीज बनी हैं जैसे कि तलवार बट रहस्य ट्राइज टू ड्रामेटाइज द इवेंट्स इन अ फिक्शनल वे फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ फिल्म मेकर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष गुप्ता और इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया जैसे कि के के मैनन टिस्का चोपड़ा आशीष विद्यार्थी मीता वशिष्ठ एंड अश्विनी कलसेकर रहस्य के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आयुषी के पेरेंट्स ने फिल्म के रिलीज को अपोज किया था इन बॉम्बे हाई कोर्ट बट ऑन 2015, द कोर्ट गेव अ रूलिंग इन द फिल्म्स फेवर एंड इट वाज रिलीज्ड जस्ट थ्री डेज लेटर Well, that's the end of the video, guys. I hope you guys really liked our suggestion. And we would also like to read about your suggestions. What movies do you find the most interesting suspense thrillers from Bollywood? And secondly, if you want a second part of this video, please comment below and we will be happy to make a second part of this particular video. Thank you and goodbye.